भाइयों, इस ट्रैक्टर में क्या बदलाव किए हैं, क्यों बदलाव किए हैं, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कितना फर्क है इसमें दूसरे जो 36 थी सुपर प्लस था। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीजें इस वीडियो में कवर कर दूंगा, एक एक चीज आपको बता दूंगा। इसमें पूरा पीटीओ सिस्टम चेंज है इसका, ठीक है जी। आउटर स्ट्रक्चर पूरी चेंज है, इसका जो पेंट है वो भी सीआरडी वाला पेंट है जी। सारी चीजें दिखाऊंगा वीडियो में, लास्ट तक देखना, एक एक चीज बड़े आराम से आप समझ जाओगे। भाइयों, मुजफ्फरनगर अपने शहर पहुंचे हैं जी आज न्यू होलैंड की एजेंसी में, टीके एग्रो, जो कि भाइयों भोपा रोड पे पड़ती है। और आज इस ट्रैक्टर की जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। क्या क्या इसमें खास बात है, क्या क्या दूसरों से अलग है, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। जय हिंद जय भारत भाइयों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था जी। और भाई, सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जय भारत जरूर मेंशन करना जी, जरूर लिखना। तो भाइयों, आज जो हम ट्रैक्टर की जो वीडियो बनाने वाले हैं, ये न्यू होलैंड का बिल्कुल जो न्यू मॉडल ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है 3630 सुपर प्लस। तो भाई, इस वीडियो के बारे में, पूरी इस वीडियो में ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। और प्लस आपको इस ट्रैक्टर की जो खूबियां हैं, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई, कितना दूसरों से अलग है, ये मॉडल क्यों बनाना पड़ा, तो भाई सारी इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। ये मल्टी स्पीड पीटीओ ऑप्शन के साथ भी ट्रैक्टर आता है। तो भाई, ना ज्यादा देरी करते हुए तो मैं आपको ट्रैक्टर की जो है 1x1 सारी स्पेसिफिकेशन बताता हूं। आउटर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, ठीक है जी। आउटर स्ट्रक्चर होता है जो बाहरी बनावट है ट्रैक्टर की, उसमें क्या क्या तब्दीलियां करी गई हैं, इसकी पीटीओ में भी फर्क है, और इसके जो ट्रांसमिशन है उसमें कितने प्रकार का जो ट्रांसमिशन इसमें आता है, इंजन में कितना फर्क है, टायरों में क्या फर्क है, टायर साइज का कोई ऑप्शन आया है नहीं आया है, ठीक है जी, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ भाई कहते हैं कि स्टीकर चेंज है केवल। भाई, वो स्टीकर तो चेंज है ही है, साथ में इसका कलर भी चेंज है। जो इसमें कलर किया गया है, वो जो न्यू होलैंड का CRDA ट्रैक्टर में कलर आता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट वही शेड है। और दूसरी बड़ी बात जो है, इसमें बोनेट का भी फर्क है। देखो, बोनेट का कैसे फर्क है, पहले जो आता था इसमें लोहे की 3D यहाँ पट्टी आती है, आपको मैं दिखाता हूँ, दूसरा जो ट्रैक्टर है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, जैसे इस तरीके की आती थी ये वाली, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे भी पट्टी आई थी, ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, तो उसका जो है बिल्कुल प्लेन है, ठीक है जी, इसमें पूरा प्लेन है। और साइलेंसर वगैरह आपको पता ही है, इसमें बाहर कर दिया। और कुछ भाई ये भी वीडियो में कहते हैं कि भाई इसके इंजन में फर्क है, इसकी आवाज में फर्क है। देखो, आवाज में बिल्कुल फर्क है, मैं आपको बताऊंगा कि आवाज में फर्क क्यों है। आवाज में इसलिए फर्क है कि पहले दूसरा साइलेंसर था और अब इसका जो है ये एग्जॉस्ट पाइप कह दो या साइलेंसर कह दो, दरअसल ये साइलेंसर है। एग्जॉस्ट पाइप तो होता है कि जिससे कोई पाइप हो और जिससे धुआं बाहर निकलता है। साइलेंसर का मतलब होता है कि कोई भी आवाज को जो कम करता है उसको साइलेंसर बोलते हैं, ठीक है जी। तो साइलेंसर में फर्क है, उसकी जो ढोलकी थी वो अलग तरीके की थी, इसकी जो ढोलकी है वो अलग तरीके की है, थोड़ा सा माइनर सा आवाज में फर्क है। ट्रैक्टर पहले से थोड़ा सा जो है वो शांत है, खड़का कम करता है। तो अगर लाइटों की बात करें तो इसमें DRL वाली लाइटें भाइयों दे रखी है कंपनी ने। और अगर इंडिकेटर की बात करें तो LED टाइप इसमें इंडिकेटर दे दिए गए हैं। प्लेटफार्म जो है ऊंचे कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात और ऐड ऑन करूंगा, कुछ भाई जो है अपने भाइयों बाद में प्लेटफार्म ऊंचे करवा लेते हैं। देखो, जो बाहर प्लेटफार्म ऊंचे हुए हुए हैं और जो कंपनी करके देती है, उनमें बहुत फर्क रहता है। वो कैसे रहता है वो बताता हूँ। बाहर जो है आदमी अपना मिस्त्री भाई करवा लेते हैं, मिस्त्री से करवा लेते हैं, लेकिन प्लेटफार्म के अलावा वो कुछ भी उसके बारे में छेड़खानी नहीं करते। इसमें क्या है कि इसमें सीट भी उस प्लेटफार्म के हिसाब से कंपनी ने लगा के दी है, स्टेयरिंग है वो उसको भी ऊंचा करा गया है, जिससे कि जो अपना ड्राइवर साहब है या किसान भाई है वो पूरा कंफर्टेबिलिटी इसमें बैठ जाए या आराम से ट्रैक्टर चला ले। और जो फ्रंट का भाइयों वेट है, ठीक है जी, पहले अपना देख चून का कह सकते हैं कि हार्ड मेटल का आता था, अब जो है इसमें लोहे का इसको बना दिया गया है, इसको वेट कैरियर बोलते हैं। अंदर जो है इसका जो भी बजरी वगैरह जो भी कुछ भर रखा होगा। उसके बाद में जो इंजन में जो फर्क है, ठीक है जी, इंजन में कुछ फर्क नहीं है ज्यादा। ये कह सकते हैं कि 50 HP कैटेगरी में, सॉरी 50 HP में 55 HP कैटेगरी के जोर इस ट्रैक्टर में है, ठीक है, कंपनी ये बोल रही है।
इसमें हीट गार्ड वगैरह भी पूरे अच्छे तरीके से लगा रखे हैं, बिल्कुल कोई किसी तरीके का फाइबर वगैरह यूज नहीं कर रखा, कंपनी ने लोहे की प्लेटें ही लगा दी है। ऊपर बैठ के ट्रैक्टर के बारे में एक बार जानकारी लेते हैं कि ऊपर जो है सीट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह या पूरी वो चीज़ सारी देखता हूँ मैं एक बार कि उसमें कितना फ़र्क है। तो भाइयों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप इसका देख सकते हो, ठीक है जी। तो जैसे CRDA का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसी तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ट्रैक्टर जो है 8 घंटे चल गया है, ठीक है जी। बाकी जो अपना यहाँ पे ऑपरेटिंग स्विच वगैरह हैं वो भी जैसे स्पेशल एडिशन में आती थी उसी तरीके से कंपनी ने इसमें जो लगा दी है, ठीक है जी। बाकी मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ट्रैक्टर देखो आप यहाँ पे देखो मीटर वगैरह पूरे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है जी। और अगर हम जैसे आपको देखा होगा इसमें कि इसमें इकोनमी और पावर पीटो का भी ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है। इसमें क्या है जी, इसमें मल्टी स्पीड पीटो के साथ ट्रैक्टर आता है, आपको हर गियर में इसकी पीटीओ की चाल मिलेगी। मैं आपको स्टार्ट करके चला के भी दिखा दूंगा पीटीओ। अगर आप पहला गियर डालोगे तो कम स्पीड आएगी, दूसरे में और ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा और फोर्थ में और ज़्यादा, और बैक में जो है पीटीओ रिवर्स भी घूमेगी, ठीक है। ये भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो एक बार इसके रेटेड RPM चेक कर लेते हैं जी कितने हैं। भाई 2400 रेटेड RPM है, जो मैंने आपको बोला था वीडियो में कि भाई ट्रैक्टर की आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क है कि साइलेंट है, वो है, वो बिल्कुल है जी, थोड़ा सा फ़र्क है। ट्रैक्टर पहले से ज़्यादा शांत हो चुका है, ठीक है जी। और टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट 750/16 के और पिछले 16 में 28 के टायर मिलेंगे। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो भाई उसमें आपको तीन तरह के जो है गेयर बॉक्स मिलेंगे, तीन तरह के आप इसमें मतलब कि ट्रांसमिशन वाला ट्रैक्टर ले सकते हो। पहला आप 8+2 वाला भी ले सकते हो, आप जो अपना बोलते हैं कि हाई लो मीडियम 12+3 वो भी ले सकते हो, जिसे UG गेयर बॉक्स बोलते हैं। और एक आता है जी क्रिपर स्पीड वाला 12+3 में ही, तो आप वो भी ले सकते हो। इसमें तीन गेयर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। और भाइयों देखो सेल्फ के लिए भी जो है न्यू होलैंड ने इसको कवर कर दिया है पूरा। तो जो छोटी छोटी बरीकी बरीकी जो कमियां थी मैं कहूँगा जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, वो बिल्कुल तो कंपनी करती जा रही है जी। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, जो इसका पावर स्टेयरिंग का जो जैक है अपना भाई, उसमें भी तब्दीली कर दिया कंपनी ने। उसमें भी आपको इस तरीके का इसका मतलब कि जैक मिल जाएगा कि ये रिपेयरेबल है, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत खैर सी इतनी आती नहीं है न्यू होलैंड में, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं मतलब कि कुछ साल चलने के बाद 8-10 साल बाद चलने के बाद कोई दिक्कत आ रही है, लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, कैसे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई रिपेयरेबल है, इसको रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके का जो जैक है इसमें लगा दिया है। अब अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें या लिफ्ट सेंसिंग की बात करें तो आपको पता ही है कि 24 तरीके की जो है ये सेंसिंग करता है। आप अपने इंप्लीमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई कौन सा इंप्लीमेंट कौन से सेंसिंग पॉइंट पे चलाना चाहिए। तो अगर लिफ्ट कैपेसिटी की मैं बात करूं तो 20 क्विंटल इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है जो कंपनी के द्वारा बताई गई है, और 5 क्विंटल का, ठीक है जी, इसमें जो है एक्स्ट्रा जैक लगा हुआ है जी। और भाई थोड़ा सा और भी देखो पीछे से फर्क है, जैसे कि पहले चैन वगैरह लगी हुई थी पहले, और अब जो है स्टेपलाइजर वगैरह लगा दिए है, ठीक है जी। तो भाई आपको मैं और चीज दिखाता हूँ, देखो लिफ्टोमेटिक वगैरह भी न्यू होलैंड काफी समय से दे रहा है जी, और मुझे काफी फायदा लगा इस चीज का, ठीक है जी। अगर कल्टीवेटर वगैरह जितने भी आप सेंसिंग वाले इंप्लीमेंट चलाना चाहते हो वो इससे बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, बड़ा आसान हो जाता है। बार बार आपको लिफ्ट सेंड वो नहीं करनी पड़ती, सेट नहीं करनी पड़ती, एक बार ही करो और भाइयों बार बार जो है आप उसका लाभ ले सकते हो। तो भाइयों इसमें कोई वीडियो में कोई बात रहेगी हो, ठीक है जी, तो जरूर मुझे मतलब कि कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। कोई भी मतलब कि बात ऐसी जो छूट गई हो कि जो ना पता हो, ठीक है, और कुछ मैंने इसमें गलत बताया हो वो भी जरूर बताइयो, क्योंकि जब मैं वीडियो मैंने बनाई पहले प्रॉपर तरीके से इसके बारे में जानकारी ली उसके बाद में इसकी वीडियो बनाई। और भाइयों मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि इसका जो ट्रैक्टर के जो कंपनी के ट्रैक्टर हैं
वो तीन बड़े ट्रैक्टर कंपटीटर हैं, मैं आपको उनका नाम बताऊंगा। पहला है जी अर्जुन 555 अल्ट्रावन, जिस एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है ये, जिसके मुकाबले में ये बनाया है। दूसरा है जी स्वराज 855, उसका इससे बड़ा टफ कंपटीशन है। और तीसरा जो है वो है जी जेडी 5210, जोनडियर 5210। ये तीनों ट्रैक्टर जो हैं इस ट्रैक्टर के कंपटीटर हैं जी। और आपको मैं थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन में बताता हूँ कि इसमें उनसे क्या अलग है। कहने को कोई कुछ भी कह दे, अगर हम पीटी एचपी की बात करें ना, जो मैंने आपको जो नाम लिए हैं, तो इस ट्रैक्टर की 46 HP पीटीओ है, अर्जुन की 44.9 है, या कह दीजिए कि 45 HP है। और अगर स्वराज की बात करें, स्वराज की 45.29 है, कह सकते हैं कि 46 HP मान लो, चलो 46 से कम है वैसे, 45 है। और अगर हम जोनडियर की बात करें तो जोनडियर की जो पीटीओ एचपी है जी वो 42.8 है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि भाई इसकी इसके सेगमेंट के जो ट्रैक्टर हैं उनमें सबसे हायर एचपी मतलब कि पीटीओ एचपी इस ट्रैक्टर की है। और भाई वो बाकी अपने बहुत भाई कमेंट करते करेंगे और पूछेंगे भाई टॉर्क का नया सा जमाना चल गया कि ट्रैक्टर की टॉर्क कितनी है। तो भाई जो कंपनी इसको क्लेम करती है वो 200 Nm 200 न्यूटन मीटर टॉर्क की कंपनी क्लेम करती है। और जो बैकअप टॉर्क है वो जो है 27% ये बैकअप टॉर्क ट्रैक्टर दिखाता है जी।